कैसे मिजाज हैं खरी से? इनायत करम। 3 रोज तक आपने तहबीब फेस्टिवल देखा और आप उन शुरका में थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ जो यहाँ बैठकें हुई सिटिंग्स हुई में शामिल रहे। आपने मुख्तलिफ ज़ुबानों की सिटिंग में भी, कैसा है ये 3 रोज का कैसा फेस्टिवल था? नहीं, मेरे ख्याल से काफ़ी यूनिक था। जो हिंदुस्तान में दो एक बड़े फेस्टिवल होते हैं जैसे जयपुर है, कलकत्ता है, उसमें इतना ज़रूर होता है कि हिंदी उर्दू और अंग्रेज़ी के राइटर्स होते हैं वहाँ, तो एक तरह से किसी हद तक मल्टीलिंगुअल वो है। लेकिन ये इसने कुछ रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, इसलिए कि इस तरह का मैंने तो लिट फेस्ट कहीं देखा नहीं जहाँ 5 जमानों को बराबर इज्जत और बराबर वक्त दिया गया हो और इतने उनके सेशंस हों। तो यहाँ तो भाई न सिर्फ हिंदी उर्दू थे बल्कि पंजाबी भी थी और मलयालम भी थी और अरबी भी थी और अंग्रेज़ी भी थी, तो इतनी ज़बानों का संगम। मेरे ख़्याल से ये तारिक पैदी साहब कर सकते थे, बड़े कमिटेड आदमी हैं वो, और ये दुबई में ही हो सकता था इसलिए कि दुबई में इन तमाम ज़मानों को समझने वाले बहुत मौजूद हैं। तो वरना अब जैसे आप जयपुर में करें तो वहाँ शायद मलयालम के आदमी नहीं होंगे, या आप अगर केरला में करें तो वहाँ पर फिर पंजाबी के इतने लोग नहीं होंगे। मगर ये जगह ऐसी है कि इन तमाम ज़बानों के समझने वाले, लिखने वाले, अंग्रेज़ी तक, ये इंग्लिश जो पोइट्री का सेशन हुआ बहुत खूबसूरत है, बड़ी अच्छी पोइट्री सुनी, और ये सब यहीं रह रहे हैं। इंग्लैंड से तो एक ही याद आए थे, बाकी तो ये सब यहाँ के लोग हैं जो अंग्रेज़ी शायरी कर रहे हैं, मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हैं। तो ये संगम जो यहीं मुमकिन था जहाँ तमाम ज़बानों के लोग, तमाम मुल्कों, तमाम इलाकों के लोग यहाँ दुबई में इस वक्त एक मज़ेक बनाए हुए हैं बहुत बड़ी सी, तो बहुत खूबसूरत तजुर्बा था। और बहरहाल पहली बार उन्होंने किया, थोड़े बहुत उसके टीजिंग प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लेकिन ये कि मैं यकीन करता हूँ वो बड़े मेहनती आदमी हैं और बड़े अपने मकसद और अपने मंजिल से उनका बड़ा जज्बाती रिश्ता है। तो वो अगली बार आप देखेंगे तो वो और भी मंच के आएगा। अच्छा, एक तो आप तो दुनिया भर में मुख्तलिफ अदबी मेलों में, मुशायरों में, तकरीबात में, मजालिस में शिरकत करते रहते हैं। एक तो होता है कोई मेला खुद कितना खूबसूरत है, दूसरा ये होता है कि उसमें जो पार्टिसिपेशन है लोगों की, जो आम हमारे लिसनर थे, सामईन थे, हाजरीन थे, उनकी क्वालिटी कैसी आप देखिए। मैं मेरे फादर की किसी नज़्म का एक मिसरा सुनाता हूँ कि पता नहीं कि ये एहसास तुमको है कि नहीं कि शहर नाम है शहरों में रहने वालों का। तो असल में शहर क्या है? शहर इमारतें थोड़ी है, सड़कें तो वो तो सब जगह होती हैं बड़े बड़े शहरों में। जो शहर को मुनफरद या मुमताज़ बनाता है वो वहाँ का आदमी है, इंसान है। और यहाँ पर नहायत उम्दा लोग आए, बाहर से भी आए, अंदर से भी आए, आप जर्मनी से तशरीफ लाए हैं, इंग्लैंड से कुछ लोग थे, हिंदुस्तान से तो ही, पाकिस्तान से थे कुछ लोग, US से आए हुए थे, तो कनाडा से, तो ये और ख़ुद यहाँ की जो ऑडियंस है, सामईन जो हैं आके, वो बहुत मुझे लगता है कि उनकी गहरी दिलचस्पी है अदब में और फाइन आर्ट्स में। उसकी वजह क्या है जो समझ में आती है कि भाई पहले तो रोटी रोज़गार का मसला होता है ज़िंदगी में और वो बड़ा संजीदा मसला है, तो किसी से आप शिकायत नहीं कर सकते कि ये तुम रोटी रोज़गार की फिक्र में क्यों हो, आप देंगे उसे? तो बहरहाल वो यहाँ आके उसका ये मसला किसी तरह हल हो जाता है और थोड़े इत्मीनान की सांस लेता है। तो जब इत्मीनान की सांस ले लेता है एक आदमी तो फिर दूसरी बातें याद आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि दुबई में एक बहुत तशनगी है आर्ट के तहत और लोग चाहते हैं कि वो अच्छे आर्ट एग्जीबिशन देखें, अच्छी किताबों के बारे में सुने, उन्हें पढ़ें, इसलिए कि उनके जो बुनियादी मसाइल हैं वो दुबई ने हल कर दिए हैं। यहाँ पर एक सवाल फिर ये पैदा होता है कि हम देखते हैं पॉपुलर पोइट्री, पॉपुलर शायरी के मजालिस और इस तरह का फिर एक इंतहाई मयारी, आप तारिक फैजी को कितनी दाद देते हैं इसकी? भाई उन्हीं को देंगे और किसे दाद दें, उनको उनकी टीम को ही देंगे, वही कर रहे हैं।
और दरअसल ये ख्याल तो उन्हीं का है, ये ज़रा बड़ा अजीब सा आदमी है ये। आप ये देखिए कि मुशायरों को भी लोगों ने एक बड़ा जरिए रोज़गार बना लिया है, कि बड़े बड़े करते हैं मुशायरे, बड़े बड़े शायर मकबूल शायरों को बुलाते हैं जिनका बड़ा नाम है, जिनकी बहुत फॉलोइंग है, और उनके नाम पे टिकट धड़ाधड़ बिक जाता है। ये नहीं करते, कर सकते थे और कर सकते हैं लेकिन नहीं करते। इनका जो मियार है वो ये है कि भाई जो लोग इस्टेब्लिश हो गए सो हो गए हैं, उनको क्या कमी है, वो तो जाते ही रहते हैं मुशायरों में और लोग उनके कलाम से उनकी शख्सियत से भी वाकिफ हैं। लेकिन जो लोग नए आ रहे हैं, जो लोग इस वक्त लाइमलाइट में नहीं हैं फिलहाल, आ जाएंगे और अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी शायरी कर रहे हैं, मैं उनको एक प्लेटफॉर्म दूँ, ये ख्याल अपने अंदर ही बहुत बेलौस है और इसमें नुकसान के इम्कान ज़्यादा हैं, फ़ायदा के कम हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों की इज्जत करता हूँ जो जो भी करना चाहते हैं वो बगैर नुकसान और फ़ायदे की फिक्र के करें, तो वो तो बड़ी इज्जत। जो भी आपने कहा जो भी करना चाहते हैं, तो क्या और लोग हैं जो इस रास्ते पर चल सकते हैं, चलना चाहेंगे? ये तो रिस्क है इसमें। हाँ, इसमें रिस्क है, मगर ये कि ये आप किसी से तवक्को करें कि आप रिस्की काम करें वो फेयर बात नहीं है। तुम शहीद हो जाओ ये फेयर नहीं, ये तो उनकी अपनी मर्जी है, तो वो अगर करना चाहें तो करें, ये करना चाहते हैं करते हैं। और ये मैं जब कोई भी मैंने कहा तो मतलब जिंदगी के किसी भी स्टेज पे बहुत सारे NGO हैं जो बेलौस काम कर रहे हैं गांव में, छोटे छोटे इलाकों में। ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी बड़ी दुनिया की यूनिवर्सिटी से डिग्रीज लिए हैं, लेकिन एक छोटे गांव में एजुकेशन पे काम कर रहे हैं या हेल्थ पे काम कर रहे हैं। तो ये जो बेलौस खिदमत है इंसानियत की, ये काबिल-ए-क़दर है। और यही काम अदब के महाज पे हमारे तारिक फैजी साहब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई।